रेडियो सिटी 91.1 पर ग्यारह से दो मावेहन का शो रेडियो सिटी पे सुनो दिव्या को। जी हाँ, रेडियो सिटी 91.1, मेरा नाम दिव्या है। 11 से 2 माँ बहन के शो पर ऑफकोर्स झटके महसूस किए। शो में जिस टाइम पे बोल रही थी, आपसे बात कर रही थी, उसी दौरान हिलना शुरू हो गई थी और माइक हिल रहा था, मेरे सामने सिस्टम जो पड़ा है वो पूरा हिल रहा था। स्कैरी था और ऐसे एक्सपीरियंस दोबारा ना हो तो ही अच्छा रहेगा। मैंने फ़ोन किया शारिकुल को, जर्नलिस्ट हैं, नोएडा में काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। शारिकुल, झटके महसूस किए यार, हिल गए हम तो। जी हाँ बिल्कुल, कई लोगों ने इसे फील किया। हम लोग भी ऑफिस में थे और ऑफिस में रहने पर ये पहले हम लोग के साथ प्रॉब्लम होती है कि हम लोग न्यूज दें या खुद की जान बचाएं। हाँ। जर्नलिस्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती यही होती है जी। तो हम लोगों ने दोनों काम किया, पहले न्यूज दिया और फिर अपनी जान बचाने के लिए ऑफिस से बाहर आए। तो ये वैसे दिल्ली में इसका इतना इम्पैक्ट नहीं रहा, नेपाल से शुरू हुआ है ना ये अर्थक्वेक। जी हाँ, नेपाल से ऐसे खबरें आ रही हैं कि कई मकान गिरे हैं, लेकिन अभी हताहत की कोई खबर नहीं आई है। और उम्मीद, हम सब दुआ करते हैं कि किसी की जान ना जाए और सब सुरक्षित रहें। और एक चीज़ और जानना चाहती थी, अभी मैं कहीं पढ़ भी रही थी और अभी जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके जरिए आ रही है कि ये अर्थक्वेक वापस आने का भी कोई चांस है या ऐसा कुछ प्रिडिक्ट किया है? जी हाँ, क्योंकि दोबारा झटके महसूस किए गए हैं तो ऐसा लोगों में अभी भी दहशत है कि कहीं दोबारा ना आ जाए और लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और जहाँ भी अगर ऐसे झटके महसूस होते हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर के बाहर निकल जाए तो बेहतर होगा। तो बेसिकली अपनी लाइफ सबसे आगे है, बाकी चीजें ठीक होती रहेंगी। जस्ट इन केस खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो तो प्लीज बाहर चले जाइए, लीव एवरीथिंग असाइड। मेरा नाम दिव्या, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। आज तो मैं भी डर गई हूँ, एक्चुअली काफी।